यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम 37वां अध्याय माता के शाप से बचने के लिए वासुकी आदि नागों का परस्पर परामर्श। उग्रश्रवाजी कहते हैं शौनक माता कद्रु से नागों के लिए वह शाप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे किस प्रकार यह शाप दूर हो सकता है। तदनंतर उन्होंने एरावत आदि सर्वधर्म परायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया है वह सब आप लोगों को विदित ही है। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त है उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया है। यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। निश्चय ही यह हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों में प्राय सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं। यदि हम मिलजुल कर सलाह करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था, सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए वह उपाय हमें सोचना चाहिए। उग्रश्रवाजी कहते हैं शौनक, वहां एकत्र हुए सभी कद्रु पुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुंच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहां कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से यह भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ ना हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यज्ञ होगा ही नहीं। हम वहां बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जनमेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे। उस समय हम स्पष्ट कह देंगे यज्ञ न करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ में इहलोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे, इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे जिन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हो, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले, फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। आचार्य के सिवा दूसरे जो जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋतविज बनने वाले होंगे, उन सबको हम डस लेंगे। इस प्रकार सारा काम बन जाएगा। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभकारक नहीं हो सकती। आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भलीभांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो
संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। इस पर दूसरे नाग बोल उठे, जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋतविजों के श्रुक, श्रुआ और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लाएं। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा, अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस ले। ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा, अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मल मूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर दें। इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋतविज हो जाएंगे, और यह कहकर कि हमें मुंह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जनमेजय जल क्रीड़ा करते हों, उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आए और बांध कर रख लें। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जनमेजय को पकड़कर डस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है, अब आप जैसा ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करें। यह कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जच जाए यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हित कर हो? मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। भुजंगमों, अपने जाति भाइयों के और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो, इसीलिए मैं अधिक चिंतित हूं, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी आदि नागों की मंत्रणा नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ। 38वां अध्याय वासुकी की बहन जरत्कारु का जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, यह संभव नहीं कि वह यज्ञ न हो, तथा पांडव वंशी राजा जनमेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए, वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देता। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था, उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी, अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं। देवता बोले, पितामह देवदेव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रू को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रु की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है, इसका क्या कारण है हम यह जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रु को मना नहीं किया।
जनमेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा है उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूं, तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है, उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं। यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवमस्तु। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुके, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में एलापत्र वाक्य संबंधी 38वां अध्याय पूरा हुआ। 39वां अध्याय, ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन को ब्याहने के लिए प्रयत्नशील होना। उग्रश्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, एलापत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सब के सब एक साथ बोल उठे, ठीक है ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। तदनंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मद्राचल रूप मथानी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं। देव, अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कसक पैदा करता है। आप इनके उस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करें। जन्मेजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा है वे नहीं। अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दें। देवताओं, एलापत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है। वही बात होने वाली है, उससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। उग्रश्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया और यह कहा, सामर्थ्यशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहे
उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए, उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु मुनि का अन्वेषण विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। 40वां अध्याय जरत्कारु की तपस्या, राजा परीक्षित का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृतक सांप रखने के कारण दुखी हुए कृष का श्रृंगी को उत्तेजित करना। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूं कि पृथ्वी पर उनका जरत्कारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ, जरत्कारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यह आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक जी, जरा कहते हैं क्षय को और कारु शब्द दारुण का वाचक है। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था, उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना दिया। ब्रह्मन, इसलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्र श्रवाजी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्र श्रवाजी को संबोधित करके बोले, तुम्हारी बात उचित है। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, आपने पहले जो जरत्कारु नाम की व्युत्पत्ति बताई है वह सब मैंने सुन ली। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ। शौनक जी का यह वचन सुनकर उग्र श्रवाजी ने पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृत्तांत बताया। उग्र श्रवाजी बोले, नागराज वासुकी ने एकाग्रचित्त हो खूब सोच समझकर सब सर्पों को यह संदेश दे दिया, मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। तदनंतर दीर्घकाल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में ही लगे रहे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में संलग्न रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी पर घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की। ब्राह्मण, तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। महाराज परीक्षित वराह, तरक्षु, महेश तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींध कर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई, वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमीक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता है उसी को खा पी कर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूं। मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसे देखा है?
मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वे महर्षि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरतवंश शिरोमणि नृप श्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था जिसकी अभी तरुणावस्था थी। वह महान तपस्वी दुस्सह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृष, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृष रहा करता था, खेलता मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, इसे सुनते ही वह रोष में भर गया। द्विज श्रेष्ठ मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष ने कहा, श्रृंगन, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी अपनी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ न बोलना। कहां है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहां गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिजन शिरोमणि, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।